अब नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं SIMD ऑर्गेनाइजेशन. SIMD स्टैंड्स फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. यानी एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीपल डेटा पे अप्लाई होता है SIMD ऑर्गेनाइजेशन में. और मल्टीपल डेटा मतलब क्या हो सकता है कि वो या तो अरे हो सकता है डेटा या फिर वेक्टर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वेक्टर और अरे क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं. तो यहाँ पर ये जो SIMD ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे वर्क करती है, अरे प्रोसेसिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग पर. इन SIMD ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कॉमन कंट्रोल यूनिट. तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सिंगल इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डेटा स्ट्रीम पे परफॉर्म करना है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किसके पास जाता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के पास. और ये प्रोसेसिंग एलिमेंट जो है इन डेटा पे ऑपरेशन वो इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं. तो इसीलिए SIMD ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगी, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी जो किसके अंडर में वर्क करती है, अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉमन कंट्रोल यूनिट. यानी सिंगल कंट्रोल यूनिट होती है, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स होती हैं और सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है. ऑल प्रोसेसर रिसीव द सेम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट बट ऑपरेट ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेटा. तो सभी प्रोसेसर्स को सेम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कंट्रोल यूनिट, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसिंग एलिमेंट किस पे परफॉर्म करते हैं, ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेटा पर. तो SIMD कंप्यूटर एग्जीक्यूट वेक्टर इंस्ट्रक्शंस ओवर वेक्टर क्वांटिटीज. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वेक्टर इंस्ट्रक्शन को किस पे परफॉर्म करती है, वेक्टर क्वांटिटीज पे. तो इसीलिए ये अरे प्रोसेसिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग में यूज होते हैं SIMD कंप्यूटर्स का. बेस्ड ऑन द मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एड्रेसिंग स्कीम्स यूज्ड, SIMD कंप्यूटर मॉडल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल एंड शेयर्ड मेमोरी मॉडल. तो मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट कैसे की गई है, कौन सी एड्रेसिंग स्कीम यूज की गई है, जो है वो SIMD कंप्यूटर मॉडल को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, एक शेयर्ड मेमोरी. तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल. डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल में आपको दिख रहा होगा कि SIMD में क्या होता है, स्केलर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोसेसर. जो SIMD ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्केलर प्रोसेसर भी होता है और वेक्टर प्रोसेसर भी होता है. ठीक है, स्केलर प्रोसेसर से कौन से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, जो सिंगल या टू क्वांटिटीज पे, टू डेटास पे अप्लाई होने हो. लेकिन वेक्टर इंस्ट्रक्शंस, वेक्टर प्रोसेसर का कब यूज होगा, जब मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स पे सेम इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना होगा. तो होता क्या है कि यूजर जो है इनपुट आउटपुट होस्ट कंप्यूटर को देता है, होस्ट कंप्यूटर जो है, यानी यूजर जो है वो होस्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है और जो भी प्रोग्राम इनपुट में देता है ये होस्ट कंप्यूटर किसको प्रोवाइड कर देता है, कंट्रोल मेमोरी को. तो कंट्रोल मेमोरी में क्या स्टोर होता है, प्रोग्राम एंड डेटा. ठीक है, और ये होस्ट कंप्यूटर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है, मास स्टोरेज से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब हमारा होस्ट कंप्यूटर करता है. अब कंट्रोल मेमोरी में जो भी प्रोग्राम आया उसके इंस्ट्रक्शंस अरे कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और अरे कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है इन इंस्ट्रक्शंस को कि वो स्केलर हैं कि वेक्टर है. अगर वो स्केलर है तो वो स्केलर प्रोसेसर के थ्रू इनको एग्जीक्यूट करवा देता है. अगर ये वेक्टर इंस्ट्रक्शंस होंगे तो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है इस बस के थ्रू इस सिंगल इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को, और हर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होती है. इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल. तो हर प्रोसेसर के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होती है. तो क्या होता है, जैसे ये इंस्ट्रक्शन इनको ब्रॉडकास्ट होके मिल गया, उसी टाइम पे ये जो डेटा सेट्स हैं ये इनकी लोकल मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं. फिर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली यानी सेम क्लॉक साइकिल पे एक साथ जो है वो इस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो भी आउटपुट होता है या जो भी उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है वो डेटा राउटिंग नेटवर्क के थ्रू करते हैं और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो ये फिगर जो है वो है SIMD यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी. अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं. मोस्ट SIMD कंप्यूटर्स यूज ए सिंगल कंट्रोल यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज. एक ही कंट्रोल यूनिट होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज होती हैं. यहाँ पर अरे कंट्रोल यूनिट होती है. द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ एन SIMD कंप्यूटर इज डिकोडेड बाय अरे कंट्रोल यूनिट. जो भी इंस्ट्रक्शंस होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड करता है
वो अरे कंट्रोलर डिकोड करता है कि वो किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, स्केलर की वेक्टर। और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी SIMD कंसिस्ट ऑफ एन अरे ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेम अरे कंट्रोल यूनिट। तो SIMD में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं और उन्हें कौन कंट्रोल करता है, अरे कंट्रोल यूनिट। अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ होस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा लोडेड इन टू द कंट्रोल मेमोरी, देन इंस्ट्रक्शन इज सेंट टू द अरे कंट्रोल यूनिट फॉर डिकोडिंग। इफ द इंस्ट्रक्शन इज स्केलर और प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन, देन इट विल बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय अ स्केलर प्रोसेसर अटैच टू द कंट्रोल यूनिट। If the decoded instruction is a vector operation, it will be broadcast to all processing elements for parallel execution. Partition data sets are distributed to all the local memories of the processing elements through a vector data bus. The processing elements are synchronized in hardware by the control unit. The same instruction is executed by all the processing elements in the same cycle. Masking logic is however provided to enable or disable any processing element from participation in a given instruction cycles. ठीक है, यहाँ पर masking logic use होता है, मतलब कि अगर suppose 64 processing elements है और जो instruction apply होना है वो 32 पे ही होना है, तो 32 बाकी 32 को क्या कर दिया जाता है, disable कर दिया जाता है कि सिर्फ 32 processing elements को ही। The processing elements are interconnected by a data routing network. और processing elements आपस में कैसे communication करते हैं, data routing network के through. Data routing network perform inter processing element data communication routing operations such as shifting, permutation, broadcast, multicast, etc. और ये जो data routing network है वो क्या करता है, इंटर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के बीच में डेटा कम्युनिकेशन राउटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे शिफ्टिंग, परमिटेशन, ब्रॉडकास्ट करना है, मल्टीकास्ट करना है, इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डेटा राउटिंग नेटवर्क इज अंडर प्रोग्राम थ्रू द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, डेटा राउटिंग नेटवर्क भी जो है वो कंट्रोल यूनिट के अंडर ही वर्क करता है थ्रू प्रोग्रामिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, LIAC4, जिसमें 64 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास खुद की लोकल मेमोरीज होती हैं और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं 8x8 मैश नेटवर्क से।